जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देखते ही हैं, मेरी वीडियोस भी आप देखते रहते हैं YouTube के हवाले से। अभी आप सुनते हैं कि जी बहुत सारे यूट्यूबर्स YouTube पे बता रहे होते हैं कि जी YT स्टूडियो आप ना देखें, YT स्टूडियो बार बार ना देखें, और YT स्टूडियो देखने से आपकी जो वीडियोस हैं वो रुक जाती हैं, चैनल आपका फ्रीज हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। YT स्टूडियो का असल जो बुनियादी मकसद है वही यही है कि जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताता है। आप अपने चैनल की एनालिटिक्स देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि YT स्टूडियो जो है वो आपको, बेशक आप बार बार देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीन मरहलों पे, तीन मौके पे आपने जरूर देखना है। और ये तीन मौके कौन कौन से हैं ये आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे। ये 4-5 मिनट की वीडियो होती है, और अगर आप गौर से बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा भी होगा, आपको समझ भी आएगी। और आप मेरे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी करें और बात को पूरा सुने। तो तीन मौके ये, अभी हम चलते हैं जी अपने मोबाइल पे, और मोबाइल पे मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से तीन मौके हैं जिन पे आपने YT स्टूडियो को देखना ज़रूरी है। YT स्टूडियो पे पहुँच चुके हैं, और YT स्टूडियो में सबसे पहले हमने जाना है एनालिटिक्स पे। ये नीचे अगर आप देखें तो डैशबोर्ड, कंटेंट और एनालिटिक्स। जब हम एनालिटिक्स पे जाते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हमने तीन मरहलों पे YT स्टूडियो को ज़रूर देखना है, तभी आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो सकती है। तो इसमें सबसे जो पहला मरहला है वो ये है कि हमने वीडियो बनाने से पहले YT स्टूडियो को देखना है। अब आप कहेंगे कि पहले कैसे देखना है? पहले इसलिए देखना है कि हमने ट्रेंड देखना है कि कौन से मौजूदात पे इस वक्त वीडियोस जो है वो चल रही हैं, लोग YouTube पे कौन से मौजूदात देख रहे हैं, ताकि हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो उसी मौजू पे हो। तो ऊपर आप देखें, टॉप पे जो हेडिंग दी हुई है, जो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है इंस्पिरेशन की, ये वाली। जब आप इंस्पिरेशन के टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे टॉप सर्चेस मिलती हैं। इसमें अब जैसे मेरा अगर ये कंट्री साइड विरज का गांव के हवाले से चैनल है, तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी चल रही हैं। विलेज लाइफ वीडियोस हैं, विलेज लाइफ कोट्स हैं, ब्यूटीफुल विलेज टूर्स हैं। तो इसी तरह आप भी अपने जो आपका चैनल है या जिस मौजू पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ सर्च पे जाके आप यहाँ लिखेंगे तो आपके रिलेटेड जो है वो वीडियोस जो टॉप सर्चेज हैं वो आ जाएंगी कि इस वक्त लोग कौन सी सर्च कर रहे हैं और कौन से मौजूद पे वीडियो बना रहे हैं। देखें, दी बेस्ट कंट्री स्टाइल को क्रिस्पी पोर्क दिया हुआ है, लाइफ इन द माउंटेंस दी हुई है, रूरल लाइफ न्यू है, ऑर्गेनिक विलेज लाइफ है। तो ये नीचे अगर आप देखें टॉप सर्चेस, तो विलेज नेचर बैकग्राउंड, तो इस तरह करके ये सारी वो सर्चेज हैं, ये वो वीडियोस हैं जो लोग बना रहे हैं और लोग YouTube पे देख रहे हैं। तो आप अगर इस टॉपिक पे, इस तरह के मौजूदात पे अपने चैनल के हवाले से वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये तो हो गया जी पहला मरहला। अब दूसरा मरहला जो है हमने कब YT स्टूडियो को देखना है, वो है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे। कोई भी वीडियो है, फर्ज करें आप कुछ हमने अपलोड पहले की हुई है, यही एक वीडियो आप ले लेते हैं जो टॉप पे है, तो इसको एडिट भी आप कर सकते हैं यहाँ जाके, पहले अपलोड कर लें। पहली बात ये रखें कि आप अनलिस्टेड, जैसे ये मैंने अनलिस्टेड करके इसको किया हुआ है अपलोड, अनलिस्टेड, ये आप इसको प्रेस कर देखें। पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट, तीन किस्म के ऑप्शन आते हैं। तो पहले आप वीडियो को अनलिस्टेड करके अपलोड कर लें, उसके बाद फिर आपने इसकी SEO करनी है, इसका टाइटल लिखना है। अभी मैंने ये सारा काम करना है, ये वीडियो फिलहाल मैंने अपलोड करके रखी हुई है, यहाँ पे मैं टाइटल लिखूँगा, यहाँ जो दूसरा ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी आप अच्छी सी बनाएं कि ये वीडियो आपकी किस चीज़ के मुतालिक है। और फिर एंड पे जाके आप इसको ऐड टू प्ले लिस्ट, कोई आपने अगर प्ले लिस्ट बनाई हुई है, बेहतर है आप बना लें, तो उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। और सबसे जो आखिरी ये मोर ऑप्शन वाला है, यहाँ आप क्लिक करें तो ऐड टैग्स, यहाँ पे आपने हैशटैग डालने। जैसे मेरी अगर फर्ज करें ये पोइट्री रिलेटेड है, तो टैग आप पोइट्री में डाल सकता हूँ, उर्दू पोइट्री लिख सकता हूँ, कोई भी आप टैग जो है, और ये एक एक करके डालना पड़ता है। ये अब यहाँ जाके आप सेव कर देंगे,
यानी एक एक टैग को सेव करना पड़ता है, तो दूसरा काम आपने ये करना है। तो YT स्टूडियो को देखना यह ज़रूरी है यहाँ पे। और तीसरा मरहला कब है? तीसरा मरहला है जब आपने देखना है कि आपकी वीडियो जो है वो कितनी चल रही है। जैसे आप ये मेरा YT स्टूडियो का फ्रंट पेज आप देख रहे हैं, ये वीडियो, एक वीडियो अभी मैंने 24 मिनट पहले अपलोड की थी, अभी उस पर एक व्यूज़ जो है वो एक लाइक और एक व्यू उस पर आ गया है। इसी तरह एक वीडियो जो नीचे उस पर 25 अभी व्यूज़ आए हैं, ये नीचे एक शॉर्ट लगे 437 व्यूज़ आए हैं। तो एक तो ये आपको दिखाते हैं कि इनकी प्रोग्रेस क्या है, फिर आप इनकी एक एक की प्रोग्रेस भी जाके चेक कर सकते हैं। एनालिटिक्स में जाएं, दोबारा एनालिटिक्स में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए देखिए टॉप कंटेंट्स हैं इस वक्त चल रहे, रियल टाइम में आपको ये दिखाते हैं कि व्यूज़ 48 आवर्स में व्यूज़ कितने आए हैं। ये अमेजिंग स्पैरो वाला जो है इसने कितने व्यूज़ लिए हैं, हनी बीज ने कितने व्यूज़ लिए। तो इस तरह करके ये जब आप वीडियो अपलोड कर लें उसके बाद वीडियो की प्रोग्रेस देखने के लिए YT स्टूडियो ज़रूरी है। और उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी कि YT स्टूडियो देखना क्यों ज़रूरी है। आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। शुक्रिया।